हाथ ना लगे, हाथ ना बहुत बुरा हो जाए। देखो ऐसा है, जब महाभारत का युद्ध भर रहा तो हाथी घोड़ा और सैनिक और रथ यही रास्ता पे आवत जात रहे। अरे हे हे भड़कीला, अरे भैया, का भैया? अरे ये खतवम का खूंटा गाड़ा था भैया, एक हम जतावे के जाए थे धान बैठवावे। तब धान बैठाओ, हम तुम्हें रुआ के हम धान ना बैठाओ। नहीं नहीं, तुम्हें गाय गोरु ना खूंटा उटा ना गाड़ो भैया, ऐसा है हम ये चराव खवाओ ना, एक घास बोए रहे भैया हम। एक भैया घास तो बोए रहे, वो बात तो हाँ ठीक है, हमें प्रधान जी कही नहीं कि जाओ खूंटा गाड़ी आओ, ऐसी चक्रवट निकरत है। चक्रवट निकरत है? अरे मैंने खतवम कौन चक्रवर्त निकलत है मुंशी जी, बड़का तू नेता बना हो। मैंने किशोरी भैया चौंकत काहे हो, का कौनो तोहरे अकिया लाइम निकरत है? सबके हम तब निकरत है वादे कहो, कल्लुम निकरत है, चौंगाइम निकरत है, ये ऐसे सीधे आए सीधे वही चक्रवर्त मिली। अच्छा, हाँ तो प्रधान से कह दो अपने खेत में खूटा गड़ुआ में, हमारे खेत में कहे चक्रवर्त गड़ुआ था भैया, ये बताबो आज तक चक्रवर्त नहीं रहा, अभी नवा नवा प्रधानी जी तब बस हमारे खेत में चक्रवर्त निकले लग भैया। भैया हमसे कौनो मतलब नहीं, हमें जितना प्रधान कहीं नहीं वतना हम करी थे भैया, अब जाए तू उनसे बात। ऐसा है काम रोको, काम रोको, ऐसा है हम जाए थे प्रधान से पूछे आए थे, बड़का नेता बना है जौन वह, ठीक है तू हम, बंद करो खूटा खूटी गाड़ी है जाओ तू, हम गाड़ी थे दूसरे हम जाओ। ठीक है, एक बात है, अरे प्रधान तुरिया ऐसे ऐसे पहले चक्रवर्त पटवाइए कलवा रे, ये हमारा था सार तो यहाँ का कर था दे का भाव हो। अबे खेते होते नहीं जाए पावा था, तब खेते का कर लिया जाए मैंने। अरे मुंशिया खूंटा गाड़ा था खेते में, सार चक्रोट पटाई जाते तो ना खेतवा में चक्रोट पटाई जाते तब और का। अरे यार मैंने हमरे खेते में कौन चक्रोट पार दे है मुंशी, कतनी बड़ी औकात हो गया के बाप चला हुआ देखो ना, आज चक्रोट पाटे नहीं कल पलाटिंग करवा दे, घर बने चालू हो जाए। चलो चलो खेते में मुंशी का बताए थे हमारे खेते में उनका औकात है पाटे का, खेत पार देखा करो कभो चला आवा करो, खाली तार फेटे हो गाँव में यहाँ। उनके इतनी बड़ी औकात के मैंने वह हमारे खेते में खूंटा गाड़ा था, चलो मुंशी भड़गा गाड़ा था भड़गा, चलो मुंशी वाला कैसे तम तार दिमाग खराब है, मैंने हमारे खेते में तो चक्रोट पटबे है। एक बात सुन लो, हमसे ज्यादा गर्मी ना देखा है, गरीब आदमी दो बीघा जोते या दो बीघा हम जोते, हमारे में चक्रवर्त निकाल दिया है। मैंने गरीब आदमी हो तो हम का करी, हम प्रधान भले नही हन लेकिन प्रधान का मुंशी हन, जान लियो चला जा चुप खूंटा उखर मारा धमके देते देखो चेहरा पहले देखो के धमके देते हमारे। अबे तो हम जानत ना हो, बताओ दादा हमरे का बना उतर पे देसी वाला कट्टा दाग जमीन है। अबे तू नहीं जान नहीं जाना था भाई, तू नवा नवा बसे हो ना, यहाँ बड़का नेता बना हो। मने लेबे हो दोनों जने, शांत से उखारो नॉर्मली बात करो, नहीं तो 50 घर पट्टीदार हम तोरे प्रधान ना छोड़बो, तोहों का जौन मार मार के दिमाग तार कर लू। हम मैं कहो जवन कहो प्रधान का उल्टा सीधा ना कहो हमरे, नहीं अब यहाँ खूंटवा उखाई और चार चार खूंटा लगाई बाबा तोरे ऐसे का ऐसे नहीं कह, चला जाओ चुप चक्रवर्त, जाओ अपन काम करो। हाँ डरा यार तू, डरा कहे हो ओ प्रधान, प्रधान हो ए प्रधान, गेट बनवा ली थी कि थाला अंदर ना जाए पाओ प्रधान। का हो ए, का हल्ला मचाए हो, कोने सब्जी मंडी होए ए बताबो, तू गांव का प्रधान बने हो कि देश का प्रधानमंत्री बन गयो है? ए हो सवास में बात करो, का काहे मतलब है, सही सही बात बताओ ज्यादा हम का हो सवास में बात करी हम लोग, मैंने हमरे खेते में खूटा गड़ावत हो चक्रोट पटाए देते हो दादा। तुम्हें तोरे खेत में का हो, ग्राम समाज का जो है चक्रोट है, तार खेत से का मतलब है, तोरे खेत में का सबके खेत में पड़ जाये। अरे तोर दिमाग को मैं खराब है प्रधान का यार, खेत देखो पहले, मेरे खेत देखो जाता के चक्रोट पटवा देखो, ऐसा है उसम नपाए के सब नप चुका है, पुराने जमाना के चक्रोट है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। चलो चलो दिखाई दी,
देख लियो मैंने यही कुल बाकी रही गवा है लेवा के चमदौराया है एकदम से लेवा के चमदौरबे कर भौ जीते प्रधानी यहां यावा मारत है अब बोलो हम का भर भड़केला मैंने ये बताओ हमें जानना चाहिए थे प्रधान जी के मैंने ये बीचो बीच खेतवा में कौन चक्रोट पटेला भाई देखो ऐसा है तुम्हें वो बताए दिन है जब पहले तब काहे परेशान क्यों इधर से देखो गन्ना से सब लोग घास काट काट के और तिरपटा ऐसा लेके जाते हैं गांव की नहीं ले जाते हैं हम ऐसा ले जाते हैं अब चार दिन बाद तू एक जोत के धान बैठा दे वो महान तो आदमी कैसी कहाँ जाए वही के वजह से गांव वालन के मांग पा ये पहर पक्की सड़क बने जाती खंजा लगाए ना अरे ये बताओ प्रधान आज मान लें चार आदमी घास लेकर जाते हैं तो हमारे लोग खेते में चक्रोट चापे देते हो और अगर आमे दस मने हमरे खेते में हगज चालू कर दे तो सामुदायिक शौचालय बनवा दे बो बिल्कुल बन सकते है भैया अगर गांव के आदमी यही मैदान निपटा चाहते हैं तो तुरंत बिल्डिंग खड़ी है सामुदायिक शौचालय बनवा दी हमारे तो काम है विकास करे वो देखो दादा किशोर जी विकास का काम कहा था करिया है पूरा गांव का ग्राम समाज जमीन जतरा रहा था छकाया है एक जगह जहां छकाया है गांव दक्षिण तहां अपन भैंस गोरो नादा तानी करावत है बांधे अब गांव के बगली ट्रैक्टर टाली खड़वा है गांव के बीचों बीच में जोन 5 बीघा का प्लाट रहा ग्राम समाज तो रहा सब ग्राम समाज हो यार वो मन अपन बैठका बनवाया है पूरा परिवार बैठा था कहा था बढ़िया 3 मंजिला हवेली बनवाई पाए और हमारे लोग के दादा जो नाम है ये है कि हमारे नाम में है हमारे लिखे थे अमन वो अमन कहा था कि भैया विकास का काम कर पाए बड़े चूतिया तुम्हें विकास ना दिखाए पड़ी अरे विकास का है नहीं बाबा फ्री में सब ग्राम समाज के जमीन पड़ा रहा कहूँ जो ना झाड़ी लाग तो कहूँ ला चितरा जामा वका साफ सफाई के गाय भैंस बांधे लागे साफ सफाई के जो है ट्रैक्टर ट्राली खड़ा कर गाँव में जो है झाड़ी झंखाड़ रहा साफ सफाई के अपन घर बनाए लीन भाई वहां रही तो अभी विकास ना हो ई ना विकास हो तो कौन विकास हो है उनसे ये पूछो कि जब गांव बारात आवत है तो टेंट हिम लागत है ना अरे इन्हें विकास होना दिखाई पड़ी और दूसर बात जो ग्राम समाज का जमीन है वो सरकारी है और सरकार के जो आदमी हुई तेहिक तो जमीन भा तो हम गांव के मुखिया जमीन हमार विकास सारा करा दिन अब देखो ग्राम समाज में सारा विकास हो चुका अब कहूँ खाली नहीं है तो भैया जे नंबर वाला खेत है हम विकास चालू करा दिया है अब धीरे धीरे सबका विकास हो जाए चिंता न करो रोड बन जाए सबके लिए फायदा मुंशिया ते कितना बड़ा आदमी हो गई थी रे की गोड़ में लेवा न लागे मैंने दादा आज तहार बप्पा कुछ पुचिया दवाई ले गए हैं गोड़ भत किरान है और गोले में रंग लगाए घूमत है बरखा भर तो गोड़ सर एक बात करता अरे थोड़े आटे लाग प्रधान ही आएगा नहीं तो बहुत देखा ना कितना बड़ा आदमी का लाग है यार फिर वही बात करता हूँ अबे ढबरे में तेल ना जो हाथ है कटिया ना बजावे तो घर में उजेर ना होता है बेना चलाओ चलाओ मरा जाता है हमरे लोग के सामने बात कर तो मने हम तो कटिये बजाई थे और तू तो कनेक्शन लिया लाइट बिल भर पावा था अब ही भाई दिन लाइट काटे आवा हमरे प्रधान गज रहा तेवा का कोनो मेर 200 रुपया दे के तब लौटा रहा सुनो सुनो का जान लो तू का दिमाग खराब है ये मारा जाबो ये बच जाई है तू मारे जाबो हमरे हाथ है मार खाबो देखा था प्रधान जी कहो तो बनाई दी दोनों जन का हाथ ना लगे हाथ ना बहुत मार आ जाई हो जान ले बहुत बुरा हो जाई अब तू का हम अब चल बे लगा चल बे प्रधान सरकारी काम में बाधा डाले तो जान लो जेल हुई भाई यार कर तंग जाबो तुरंत कई दे भाई यार कई दे चकवर पटाई ना देता है जोन हुई को छोड़ के पे बहुत परेशान हो जाए हो कर लो या का जान लो पटवा एक चकवर सोचा रहा कि 10 दिन बाद काम लगे और खाली 1 मीटर सड़क रहा है अब करो 1-2 मीटर कहीं दो काम ना दिक्कत नहीं 2 मीटर चौड़ा करो साले का अब गिराव कालीन से ईटा चलो ठीक है हाँ?
ऐसे का हो जब कागज मा नापीगा खूंटा ना गड़ी आई है सब नाप कर दे सर कागज मा नापी थो कवन नापी दे कवन नापी कर रे नाने महतारी गरियाई बब्बा तो रनता जो नापे थो लेखपाल साहब नापे है और के नापी हो लेखपाल चल पे अरे वे कंटेड़ा है कंटेड़ा है ना पेन है ना बैठो ले तो जवन मारा सर का के धराई जे है चलले पास चले के नुआ करी है सरकारी आदमी आ नाप दे तो का कह ले हो अरे चला जा लेकिन प्रधान अब तू जान लो अगला प्रधान ने तुहा जीत तक नहीं तो यहाँ प्रधानिया नहीं जिता रहे हम तोरे हिसाब से तो हारिन जाए तू ससुर ना अपना सार वोट दी सब सबका भड़का दी चुंगे अरे ये तो पोलिंग पा बैठा रहा है काहे काका कुवाट ही ना दी है कोई जे देवारव रहा कल्लो देवुक रोक दी ये तो अपने रंजीत चल था रंजीत प्रधानिक रंजीत से भैया ही समझ ना पई हो चलो 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 जीता अबे खतौनी निकाल खतौनी चल कचहरी चलो चला जाए अब बैठ जा इधर हां चलो चलो हां चलो चलो काम लगा दो खाली अब मामला निपटारा हुई यार ही कैसा कौन किताब में लिखा कैसा ना दे है सोवत है ए बाबू साहब ए लेखपाल साहब अच्छा यार हो बाबू आधे बाउंडर निहाल बिल्कुल पहुंच गया मोड़े पे यहाँ हो कहाँ रहा था एक बात तो छोड़ो बाबू साहब ये बताओ कौने नियम कौने कानून कौने कागज और कौने नक्शा के तहत हमें लोग बीचों बीच खतावन चक्रवत निकाल दी अरे मने भैया हो के और कहाँ ताए हो पहले बैठो बैठो बताई पहले मामला बताओ निकारा हो करते ए, 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 रुको 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 यार कहा करता यार वो कहीं एक हत्था टूटा है वो एक जोड़ा है एक दिन ऊपर बैठ जाओ जिन्हें बगली बैठ जाओ बाबू हमारा नाम है कल्लू हाँ। इनका नाम है किशोरी हाँ। और आप हमारे गांव में गए हो हाँ। और खेत नाप दियो बीचों बीच खेते में हमारे लोग के चक्रोड़ निकाल दियो ये तो बड़ा गलत काम है भाई अरे यार का बात करता हूँ हम तोरे गांव में गबई नहीं कि नहीं हम कब चक्रोड़ निकाल दिया कहे ढोलपुर में तू नहीं गयो है अच्छा लो कह लो बात हम ढोलपुर में तू देखे हो कहे तब वैसे दुखे प्रधान कहा था कि मैंने लेखपाल नाप चला गया ये मही यही पट्टी चक्रोटवा का हो लेखपाल उनका दुखे प्रधान के मौतिया नाना फूफा में कि जब बल है तब चले जाइए चक्रवट ऐसे दूसरे खतों में निकाल दे हैं मैंने एक महीना हम लाइन हाजिर हैं यार छुट्टी पे चले थे घुस ले पकड़ गन नहा और तो कहा था यह मन नहीं वह मैं तब साहेब ड्यूटिया पा कही है सही हो आज दिन तब बहाल भयन है यार लेटा रहन की 10 मिनट आराम कैली खायन नहा अब भाई वही क्षेत्र में जात रहन लेकिन ये बताओ हमें पूरा मामला बताओ का है पहले अजय पूरा मामला यह है साहब हाँ लोग के तो ऊंचे खेत भाई हाँ चारों तरफ पानी भरा रहता है हाँ वहाँ वतरा तनी खाली रहता है बीचों बीच खेते के हमारे इनके अच्छा तो मेड़ बना है हल्का सा हाँ। तो दोनों जने समझौता माँ हाँ हाँ। तो गांव वाले घास काटत है हाँ। तो वही बीचों बीच खेते में हमारे ले ले जाते है हाँ। तो प्रधान कहा था कि ऐसा है पर पुरान चक्रोट रहा हाँ। अब आप आयो है ना पिगे हुए वही तंती पटावे के लिए तैयारी बनावत है तब मैंने प्रधान तक कह दो प्रधानी छोड़ लेखपाल ही कह लेते का करे प्रधानी करी मैं तब लेखपाल के कौन काम जब दूसरे खेतों में चक्रवात पटाई दे तब साहब ऐसा है चला अब वक़्त देख लियो मामला कह दो निपटारा हाँ? राजनीतिक रंजिश चलत है ना हाँ? अब हम लोग वोट नहीं दिया रहे अच्छा अच्छा खेते उकर दियो अपना ग्राम समाज छका है उमन कोनो काम ही नहीं ग्राम समाज छका है पूरा गांव का हाँ? जी आप ये मैटर फैसला करो तो उन्हों के ताब से हाई कोर्ट हम लोग जाबे जरूर अच्छा करी है हो बाबू साहब बहुत ईमानदार आदमी है हाजिर रहे कोनो गुनाह फसाई रहा तो जा के जब मैं घोर लेत पकड़ के एक महीना नौकरी से छुटा रहे तब का कहत हो ईमानदार का हो का बतवात हो अरे नहीं साहब का देख लो कोने मेरवा का जल्दी करो तो पार्टी पर धनमा अच्छा ठीक है एक काम करो ना तू दोनों जने घर चलो और हम अब भाई ये घंटा बाद घड़ी देखा पहुंचे थे हुए आओ नाप जो खोई सब ठीक है अपन सब पूरा कागज पत्र हमारा गांव का नक्शा नजरी तो परेशान ना होए मार पिटैया ना करो कानून का अपने हाथ में ना लियो भाई ठीक है बाबू साहब ठीक है चलो तू लो तेरे के ए बताओ ले हाल मने कांड कर रहे अपन ना और बदनाम कर रहे लेखपाल का पता लागे दादा कौनो मर मुकदमा हो जाए तब हम बहन तब लाइन हाजिर बहन ना बहाल बहन है कौनो मेरवा के फिर लाइन हाजिर हो जाए चलिए देखी तो बताई कौनो लंबा खेल मानो करिए ताला आए तो बहन लाओ देखे प्रधान जी का ए प्रधान जी प्रधान जी अरे बाहर निकलो भाई अरे नमस्कार लेखपाल साहब नमस्कार नमस्कार और बड़केला कुर्सी लाओ भाई अंदर से और प्रधान जी सब बढ़िया है सब अच्छा है कोई दिक्कत नहीं अरे भाई तोरा गांव से सबेरन सबेर शिकायत पहुंचा है दो दौरा आवे परा शासन शिकायत
और का शिकायत के कई दिन साहब नमस्ते नमस्कार नमस्कार बैठो बैठो अरे शिकायत के कई दिन हो अरे शिकायत तो मेरा गांव का कोई है कल्लू के छोरी अच्छा अच्छा लगता लोग हाँ, 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 गए उनके खेत में नाजायज आप चक्रवट पटावा जाते सुने नाजायज और का अरे नाजायज कुछ नहीं है देखो अब हम आपका सही बात बता दी ऐसा है कि बजट सारा उठाई ली तमाम अरंजा खरंजा यहाँ वहाँ पुरान देखा एक सब निकाल ली है पैसा अब आप तो सब जानते हो आप कहूँ बचबे नहीं किन अब 3 लाख रुपये एक ठो और रहेगा तो हम कहा बोका कहूँ से लीन जाए भाई पैसा वापस चला जात रहा 10 दिन और बचा रहा तो हम कहे नहीं बोका जुगाड़ लगाए विरोधी हुए कहा खेतन मासे निकाल दो साला छटपटाए दो इन्हें निकल जाइ आपो जैसे कह दो हम और का काम हो जाए देखो ऐसा है प्रधान जी अब भाई अभी तक हम रहन लाइन हाजिर अभी आज इन लागन है ड्यूटी पर यहाँ हम अब भाई कहीं ना पाई हम क्या कहन रुको समझ गए बात का कह तो लो अरे यहाँ कई कौन जरूरत प्रधान जी अंदरा धरो हाँ बाकी हिस्सा तो जोन तय है तो उन तो मिलबे करी मोहन का कहे के झूठ है अब कोनो दिक्कत है उने पुरान रास्ता तो रहबे की तो का करे के बतावा जाए चला जाए खेत गांव के दू मने खड़िहा देब कह दे पुरान रास्ता रा बात खत्म ठीक है बात ठीक है इतना कह दियो तब तो काफी है मेरे लिए चलो खेतक वर समझा दियो हाँ। बढ़िया आपका का कहिया तो सब जनता चलो हम जाई बलाई लाई सब करके चलो ना खेत में लेके आओ चलो साहब सर सामान ले आओ चली चलो अब का गड़िया ले चलबो एक ठौरे है तब रहई दो छोड़ो फितवा तो ले लो बस चलो बच्ची बगलिए तो है आओ चलो आओ लगता हूँ इनके चक्कर में ना रहो नहीं पैसे ना कमाते देखो साहब आए यहाँ से लेके हाँ। अब यही बार ऐसा सीधा है हाँ। निकाल दो 2 मीटर चौड़ा हम तो कहते कही दो कही सारा बजट यही खर्च और कुछ नया आई तो वो मुझे देखो ऐसा है कब तहार ट्रांसफर हो जाए कुछ पता नहीं है तो बात तो है पैसा कमाए रहा हूँ ठीक है हमारा मतलब भी नमस्कार नमस्कार यही हो अच्छा अच्छा बता बीचों बीच खेत में चक्रोट नप रहा है कौन नियम कानून में है भैया तो कागज देखब तब भाई पता लागी हमें तो पता ना लागी खोलो लक्षा खोलो हम बहुत दिन भैया चकबंदी भी नहीं भवा रहा तब आज पता ही लग जाये जहाँ से रोड आई है मेन नाप लीन जाए देखा जाए ढोलपुर वाला खोलो फट से खोलो भाई अच्छो से मान खोल लो काम बात ए भैया फीता वाले वहाँ हुआ जाओ फीता लगा हुआ से पकड़ो किशोरी पकड़ो जाओ जा फेता लगाओ भरवाडी धर आओ यार चलो चलो आओ आओ अगर आओ आओ लागत हमरे खतवा नप जाय तब या 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 रखो आओ कई कर जे हां बताओ याद है या दाग लगाई दिन या आओ 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 देखा कर अरे लाग है दाग तू परेशान ना हो रोड वा उधर है वा बगिया किनारे अब नि करे हां लाओ लाओ आगे लाओ दाग लगा रहा परेशान न हो बिल्कुल आप प्रधान जी हम कहा भाई हम तो चले जाए हमारे जेब गरम कर रहो अपन गरम कर रहो हम का दिक्कत आओ आओ आ गया उधर रहो पिता आओ आओ धर रहो पिता धर रहो हाँ कहाँ तक लगाए दाग बस बस रोको रोको ये रोको पिता ऐसे लगाओ धरा हुआ धरा रुको रुको अरे रुको हो या दाग लगा हुआ कहाँ चल रहा है चलो लगाओ लगाओ चलो लगाओ कैपुट होगा ना पाओ लगाओ आओ आओ भैया तब इधर आ जाओ आओ आओ बताइए हाँ साहब यही ठीक से पटवावत आओ बताए थे देखो भैया रोड से तहार खेत कुल टोटल 70 मीटर है हाँ? अभी आवत है 72 मीटर 72 मीटर आवत है कहीं मतलब 2 मीटर रास्ता है अम्मा 2 मीटर रास्ता है मजात है 2 मीटर सीधा है महन कहा है भाई पुराना रास्ता हुआ और जात कब है कौने जमाने खोए कहा यहू बता दे भैया हमारे बाप दादा मर गए तब तक नहीं देखा भाई 30 साल हमारी उम्र होगा ये बताओ वेद पुराण अम्मा क्या पढ़े हो रामायण उमायण क्या देखा था ज्यादा नहीं भैया देखा तो हम टीवी में है देखो है हर रामलीला में लगा था भैया नवरात्र में देखो ऐसा है जब महाभारत का युद्ध भर रहा तो हाथी घोड़ा और सैनिक और रथ यही रास्ता काए आवत जात रहे अरे का है लेखपाल मने दादा द्वापर का रास्ता कलयुग में निकाले तो हमरे खेते में यहाँ बाप ऐसा है ना दादा फड़फड़ाओ ना ले जो कहूँ सरकार का ही बात पता लग गा तो जोन युगो युगो से ही रास्ता तू जोते हो इतहार ब्याज समेत वसूली सरकार और तुहरे दे दोनों इनके बकला बिकाई जाये अच्छा साहेब एक बात बताओ
अतरा पुरान नक्शा तू पायो कहाँ से? देखो ऐसा है भैया ना, ये कहानी द्वापर से चली आई है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ा तुम्हें साठ में समझाए दी थे। जैसे हमारे खानदान में बुद्धिमान बहुत पैदा रहे, जतना नौकरी तू हमारे खानदान का लेखपाल का देखबो, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक सब मृतक आश्रित प्रभा है। अरे दादा दादा साहेब ये कैसे? देखो तुम्हें वह समझ में ना आई, तुम्हें थोड़ा समझावे परियो प्रधान जी, आप नहीं जानते रहे, आप समझाई दी बतावा जाए। देखो हमारे जब परदादा रहे, जब उनके नौकरी का चार दिन बचा, बस वह गए ट्रेन तरह काट गए और मर गए। अब नौकरी क्या पावा? हमारे बाबा पाई गए। अब हमारे बाबा जब टाइम आवा चार दिन नौकरी बचा, उन्हों बुद्धिमान उन्हों गए राफ्टिंग नदी के नीचे छलांग लगाए दिन, उड़ गए मर गए। फिर सरकार हमारे बप्पा नौकरी दे दे, और जब हमारे बप्पा टाइम आवा तब तो वह जोन कला करीन भाई बंद कई कई कुंडे जंजीरा तो कतना बली रहे, दाय का दो लीटर और पिछवल और फूक दे अपने आप का, अब वो नौकरी हमें मिल गया। अब हम सोचे हैं भैया कि जैसे हमार का उन टाइम आई तैसे हम यही हाल कर बे। बाप होता है लोगन गरुआ थे घर भरे के ऊपर निबरिया घर में खेतिया में यहाँ सबका एकदम एक साफ है, रेल दे तो गरीब आदमी के यहाँ का हुए। लेकिन जानकारी हमारे इतना जितना हमें लेख पाली जानकारी है कोई खोई ना। अच्छा, अच्छा इनका दापर के जमाना से नक्सलिया घूमा था। बताओ साहब कुछ पढ़बो लिखबो की हो रहा है कि वैसे ही खाली पाए गए? अरे यार थोड़ा बहुत पहले हमें डिग्री दिखाइबा, इन्हें रास्ता दिखाओ। देखो ऐसा है अभी रास्ता यही है भैया, दो मीटर का इतना चक्रवर जात है सीधे, और प्रधान जी आप पटवाओ, और अगर कोई भाई बीच में हस्ताक्षेप करत है तो तकरे ऊपर हुई मुकदमा, और मुकदमा हुई तो वो जाए जेल और परी पिछवाड़े मोटा। अब यही हो गई करी भाई, हस्ताक्षेप तो हुई आसान से पट न पाई। तब लोक लो भैया जानत नहीं हो, लागत है कोई मामला का बगजगा है। अरे यार भपकावत है यार डरवावत है, डरवावत ना है, पैसा खाई के लागत है। पैसा तो खाइन के बाबू का पैसे मुंह मैंने देखा ना, पूरा खानदान बेईमान बतावत है अपने आप का। यही बात है, चलो का भा हो का भा हां का ये में निपटारा ना होई। हां तब कौन मत पटना पाई अब मार झगड़ा यहां साहब। अब तो उसे बताई थे बहुत खुली बात, डीएम एसडीएम कलेक्टर चाहे जे आ जाए, लेकिन ये रोडे पा मतलब ये हमारे खेत में अगर कोई एक फरवा मार दे तो कई कसम खाए बताई थे तुरंत मुड़ काट दिया। तब तू जब अपने जब तू अपने बूते अपने गोले टंगारी मारता हो तब अम्मा हम का कह सके थे वैसे जाओ जीव धई देव कहूं ना ना दिन आलम भर आए। हटो हटो खेत निकल लो, खेत निकल लो, निकलो बहुत हो गया। पा के रोड में हम लोग चक्रोड में खड़े हैं। हां बहन तो भाई चक्रोड है, छोड़ दे परेशान ना हो, लगाई दे कोई एक को फरवा मार के प्रधान जी दिया ही है। जब सरकार सुविधा दिया ही तो वह का यूज करो ना, मिलाओ एक से बारह पता लगी। अच्छा अच्छा मिला लो एक से बारह मिला लो, हाँ मिला लो बतवा लो। हेलो हाँ बाबू साहब नमस्ते, ढोलपुर से बोले थे। हाँ यह प्रधान हमारे खेते में नाजायज चक्रोट पटवा दिए थे लेखपाल मिलकर। लाओ लाओ यहाँ लाओ पनवा यहाँ लाओ, तो हमें बात कर रहे कौन सा है भो। हेलो अरे हम ढेला लेखपाल बोले थे भैया ढोलपुर के। अरे ऐसा है साहब कि चक्रवर्त अम्मा दो मीटर लट्ठा निकल रहा है, अब ये लोग नाजायज चक्रवर्त प्रधान जी का नहीं निकाल देते हैं भाई। हम नापे अम्मा दो मीटर आवत है, अब ये कहते हैं नहीं आवत है, कहते हैं फरुहा चलाई दे कुदरा चलाई दे भाई। साहब समझाओ इन नहीं आप, और नहीं तो हम अपन ड्यूटी छोड़ कर जाए, हमारे ऊपर आत्मघाती हमला करे जाते रहे। लो 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 बस साहब पूछ लो। हाँ हाँ साहब अरे नहीं साहब झूठ बोला था, पूछो ना किया गया हम लोग जेल हो जाए ना उठाए। ठीक ठीक है बाबू साहब, ठीक है ठीक है। प्रधान जी इनका दिमाग ठिकाने आ जाए, ठिकाने ना आए गवाह। हाँ समझे थे सब मिल गया भाई। हाँ सरकार सरकार से मिल गया। अरे भाई मामला वकील से साल्व हुई। नहीं जाओ जाओ सब 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 भोज खाएं, सब भोज खाएं। पाटो जब घर भर आई बिल्डोजर से तब ऐसा प्रधान जी आप चक्रवर्त पटवाओ, दिक्कत ना लो कुछ हुआ ही ना, लेकिन एक बात जान लो भाई पूजा टाइम टाइम से चढ़ावे पड़ी आपका। अरे वो तो चढ़ा करे भाई लड्डू पहुँचाया करे भर किला, वही कहा आपका काम तो बन गया। अब चलिए थे अपन गिरवाओ, कहा करना है